हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन। मैं हूं बलजीत कौर, आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल जहां आप सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल से अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं 50 ऐसे सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस जिन्हें यूज करके आप अपनी जो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है, उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सेंटेंसेस बिल्कुल लर्न करने ही चाहिए क्योंकि ये डेली यूज सेंटेंसेस हैं। डेली हम लोग अपनी लाइफ में जो भी बातचीत करते हैं उससे जुड़े हुए सेंटेंसेस हैं, तो अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है इन सेंटेंसेस को आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत छोटे सेंटेंसेस हैं, इसमें टेंसेस वगैरह की टेंशन भी नहीं है। आपको सिर्फ इनको लर्न करना है और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आप इनको एक अच्छे से लर्न कर लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। मुझे पता नहीं मिल रहा है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम एड्रेस खोजते हुए कहीं जाते हैं और किसी से बोलते हैं कि मुझे ये एड्रेस मिल नहीं रहा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कैनॉट फाइंड द एड्रेस, या फिर मैं इस पते को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। इसे कहेंगे आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस एड्रेस। यह मेरी गलती नहीं है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। मैं आपको बस स्टॉप तक ले जाऊंगा। आई विल टेक यू टू द बस स्टॉप। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और बोलना है, जैसे मैं आपको स्टेशन तक ले जाऊंगा या मैं आपको स्कूल तक ले जाऊंगा, तो आप इन्हीं सेंटेंसेस में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्कूल तक ले जाऊंगा, इसे कहेंगे आई विल टेक यू टू द स्कूल। आने जाने के टिकट को बोलते हैं अ राउंड ट्रिप टिकट। राउंड ट्रिप मतलब जाना और आना, दोनों की टिकट को बोलते हैं राउंड ट्रिप टिकट। कितना किराया लगेगा या कितना किराया है, हाउ मच इज द फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया। आप कहाँ जाना चाहेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो। तो अगर आप कोई टैक्सी या कैब कोई भी हायर करते हो और उसे बोलते हो कि प्लीज मुझे इस एड्रेस पे जाना है या मुझे इस एड्रेस पर लेके जाइए, उसे आप कहेंगे प्लीज टेक मी टू दिस एड्रेस, मतलब मुझे इस एड्रेस पर ले जाइए। क्या हम वहां जा सकते हैं, कैन वी गो देयर, या क्या हम वहां पर चल सकते हैं, कैन वी वॉक देयर। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी जगह के बारे में किसी से पूछते हैं और साथ में ये पूछते हैं कि यहाँ से कितना दूर है या यहाँ से कितनी दूरी पर है वो जगह। इसे इस तरीके से आप पूछ सकते हैं हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से वो जगह कितनी दूरी पर है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। ये बहुत नाजुक है, दिस इज वेरी फ्रेजाइल। दोस्तों, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बहुत जल्दी टूट सकती है, उसे फ्रेजाइल कहा जाता है इंग्लिश में। ये बहुत जरूरी है, दिस इज अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है बेहद जरूरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर आपने कोई ऐसी चीज देख ली है या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तब आप उसे इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे आई डोंट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। हमें परेशान मत करो, डोंट बॉदर अस, या फिर मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। मैं अपने दोस्त की तलाश में हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड। लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना या किसी चीज को ढूंढना, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये बोलना है कि मैं एक जॉब की तलाश में हूँ, आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब।
या फिर अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं और आप कुछ कोई एक ऐसा आइटम आप ढूंढ रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं। आप बदले में बोल सकते हैं दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ ड्रेस, या फिर दिस काइंड कोई भी पर्टिकुलर चीज हो उसके बारे में आप बोल सकते हैं दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस और आई एम लुकिंग फॉर दैट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां कैसे जाना है? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर? ये एक लंबा सेंटेंस है, इसे चाहें तो आप दो पार्ट में डिवाइड करके इसको लर्न कर सकते हैं ऐसे। क्या मुझे आप बता सकते हैं, इसे आप कहेंगे कैन यू प्लीज टेल मी, वहां कैसे जाना है, हाउ टू गेट देयर, ठीक है। इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के सेंटेंस को डिवाइड करके उनको आप लर्न कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसी चीज को आपको थोड़ा और पोलाइट वे में बोलना है तब आप बोल सकते हो कैन यू प्लीज हेल्प मी, या फिर कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज। मुझे समझ नहीं आता, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको इसको ऐसे बोलना है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं तब आप कहेंगे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एबल का मतलब होता है कर पाना, ठीक है। किसी चीज को आप नहीं कर पा रहे हैं आप बोल सकते हैं आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। मैं खो गया हूं, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूं, आई एम लॉस्ट। मुझे नाम याद नहीं है, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, का मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है या मुझे नाम याद नहीं है। ऐसे मत करो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो। तुम क्या चाहते हो, या फिर तुम चाहते क्या हो, इसे कहेंगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू सेड। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। आपसे फिर मिलकर खुशी हुई, इट्स प्लेजर टू मीट यू अगेन, इट्स प्लेजर टू मीट यू अगेन। अगर आप इससे एक बार मिलते हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स प्लेजर टू मीट यू, और अगर आप ऐसे बोलते हैं कि आपसे फिर मिलकर खुशी हुई आप कहेंगे इट्स प्लेजर टू मीट यू अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क। मैं राहुल का दोस्त हूँ, या मैं राहुल का मित्र हूँ, आई एम अ फ्रेंड ऑफ राहुल, आई एम अ फ्रेंड ऑफ राहुल। क्या मामला है, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, या व्हाट्स द मैटर। मैं प्रसन्न हूँ, या मैं खुश हूँ, इसे कहेंगे आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, ठीक है। आई एम हैप्पी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हैप्पी से अच्छा वर्ड अगर आप चाहते हैं तो आप ग्लैड वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, आई एम बिजी। मेरे साथ आओ, कम विद मी, कम विद मी। मुझे माफ करो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपने मेरी बहुत मदद की है, यू हैव हेल्प मी अ लॉट, यू हैव हेल्प मी अ लॉट। यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की है आएगा, इसमें मुझे लिखा गया है, प्लीज आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। आपने मेरी बहुत मदद की है, यू हैव हेल्प मी अ लॉट। थोड़ा इंतजार करो, वेट अ बिट, वेट अ बिट, अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। हमारे लिए इंतजार करो, वेट फॉर अस, वेट फॉर अस, या मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी।
अंदर आइए, या फिर कहेंगे कम इन, कम इन, यहां आओ, कम हियर, कम हियर, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कहना हो कि आपसे मिलकर दोबारा खुशी हुई, तब आप कहेंगे प्लीज टू मीट यू अगेन, प्लीज टू मीट यू अगेन। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक यू वेरी मच, आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जल्दी आओ, कम अर्ली, कम अर्ली, या फिर कम सून भी आप बोल सकते हैं, कम सून। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, फाइन का मतलब होता है ठीक होना। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, सी यू लेटर। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 50 सेंटेंसेस हमारे खत्म होते हैं, 50 डेली यूज सेंटेंसेस। आई सपोज आपको ये सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा है उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर ऐसी और वीडियोज आप चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।